यहोशु अध्याय 13 यहोशु अध्याय 13 यहोशु बूढ़ा और बहुत उम्र का हो गया, और यहोवा ने उससे कहा, तू बूढ़ा और बहुत उम्र का हो गया है, और बहुत देश रह गए हैं, जो इस्राएल के अधिकार में अभी तक नहीं आए। ये देश रह गए हैं, अर्थात पलिश्तियों का सारा प्रांत और सारे गशूरी, मिस्र के आगे की शिहोर से लेकर उत्तर की ओर एक्रोन के सिवाने तक, जो कनानियों का भाग गिना जाता है, और पलिश्तियों के पांचों सरदार अर्थात अज्जा, अश्तोद, अश्कलोन, गत और एक्रोन के लोग, और दक्षिणी और अभी भी, फिर अपेक और एमोरियो के सिवान तक कनानियों का सारा देश, और सिदोनियों का मारा नाम देश, फिर गवालियों का देश, और सूर्योदय की ओर हेरमोन पर्वत के बीच के बालगाज से लेकर हमात की घाटी तक का सारा लबानोन, फिर लबानोन से लेकर मिस्र पोतमैम तक सिदोनियों के पहाड़ी देश के निवासी, इनको मैं इसराइलियों के सामने से निकाल दूंगा। इतना हो कि तू मेरे आज्ञा के अनुसार चिट्ठी डाल डालकर उनका देश इसराइल को बांट दे। इसलिए तू अब इस देश को नौ गोत्रों और मनुष्य के आधे गोत्र को उनका भाग होने के लिए बांट दे। इसके साथ रूबेनियों और गादियों को तो वह भाग मिल चुका था जिसे मूसा ने उन्हें यर्दन की पूर्व की ओर दिया था, क्योंकि यहोवा के दास मूसा ने उन्हीं को दे दिया था, अर्थात अर्नोन नाम नाले के किनारे के अरोएर से लेकर और उसी नाले के बीच के नगर को छोड़कर दिबोन तक मेदवा के पास का सारा चौरस देश, और अम्मोनियों के सिवाने तक हेशबोन में विराजने वाले एमोरियों के राजा सिहोन के सारे नगर, और गिलाद देश, और गशूरियों और माकावासियों का सिवाना, और सारा हेरमोन पर्वत और सलका तक कुलबाशान, फिर अश्तारोत और एद्रेई में विराजने वाले उस ओक का सारा राज्य जो रपाइयों में से अकेला बच गया था, क्योंकि इन्हीं को मूसा ने मारकर उनकी प्रजा को उस देश से निकाल दिया था। परंतु इसराइलियों ने गशूरियों और माकियों को उनके देश से न निकाला, इसलिए गशूरी और माकी इसराइलियों के मध्य में आज तक रहते हैं, और लेवी के गोत्रियों को उसने कोई भाग न दिया, क्योंकि इसराइल के परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार उसी के हव्य उनके लिए भाग ठहरते हैं। मूसा ने रूबेन के गोत्र को उनके कुलों के अनुसार दिया, अर्थात अर्नोन नाम नाले के किनारे के अरोएर से लेकर और उसी नाले के बीच के नगर को छोड़कर मेदबा के पास का सारा चौरस देश, फिर चौरस देश में का हेशबोन, जोर, उसके सब गांव, फिर दिबोन, बामोतबाल, बेतबालमोन, यहसा, कदेमोत, मेपात, किरियातैम, सिबमा और तराईमे के पहाड़ पर बसा हुआ सेरेथ शहर, बेतपुर, पिसका की सलामी और बेतशिमोन, निदान चौरस देश में बसे हुए हेशबोन में विराजने वाले एमोरियो के उस राजा शिहोन के राज्य के कुल नगर जिन्हें मूसा ने मार दिया था। मूसा ने एवी, रेकेम, सूर, हूर और रेबा नाम मिद्यान के प्रधानों को भी मार डाला था, जो शिहोन के ठहराए हुए हकीम और उसी देश के निवासी थे, और इसराइलियों ने उनके और मारे हुओं के साथ बूर के पुत्र भावी कहने वाले बिलाम को भी तलवार से मार डाला था, और रूबेनियों का सिवान यर्दन का तीर ठहरा। रूबेनियों का भाग उनके कुल के अनुसार नगरों और गांवों समेत यही ठहरा। फिर मूसा ने गाद के गोत्रियों को भी कुलों के अनुसार उनका निज भाग करके बांट दिया, तब यह ठहरा, अर्थात याजेर आदि गिलाद के सारे नगर और रब्बा के सामने के अरोएर तक का अमोनियों का आधा देश, और हेशबोन से रामत मिसपे और बतोनीम तक, और महनैम से दबीर के सिवान तक, और तराई में बेथरम, बेत्रिमा,
सुक्कोत और सपोर और हेशबोन के राजा, सिहोन के राजा के बचे हुए भाग और किन्नेरेत नाम ताल के सिरे तक यर्दन के पूर्व की ओर का वह देश जिसका सिवान यर्दन है, गादियों का भाग उनके कुलों के अनुसार नगरों और गांवों समेत यही ठहरा। फिर मूसा ने मनुष्य के आधे गोत्रियों को भी उनका निज भाग कर दिया। वह मनुष्यों के आधे गोत्र का निज भाग उसके कुल के अनुसार ठहरा। यह वह है अर्थात महनैम से लेकर बाशान के राजा ओक के राज्य का सब देश और बाशान में बसी हुई याइर की 60 बस्तियां और गिलात का आधा भाग और अश्तारोत और एद्रेई जो बाशान में ओक के राज्य के नगर थे, ये मनुष्य के पुत्र माकिर के वंश का अर्थात माकिर के आधे वंश का निज भाग कुलों के अनुसार ठहरे। जो भाग मूसा ने मोआब के अराबा में यरीहो के पास के यर्दन के पूर्व की ओर बांट दिए वह यही है, परंतु लेवी के गोत्र को मूसा ने कोई भाग न दिया। इस्राएल का परमेश्वर यहोवा ही अपने वचन के अनुसार उनका भाग ठहरा।